बुक के पीछे का न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल संख्या है 3.4। ध्यान दे, इस टाइप का क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड ने भी पूछा है। संख्या चेंज हुई होगी, जो क्वेश्चन का तरीका है, पैटर्न है, वो यही था। देखो क्वेश्चन क्या है कि 3 × 10⁻⁶ कूलाम तथा −2 × 10⁻⁸ कूलाम के दो आवेश परस्पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो पहला आवेश Q1 जिसका मान कितना है, 3 × 10⁻⁶ कूलाम। दूसरा आवेश कौन है, Q2 जिसका मान कितना है, −2 × 10⁻⁶ कूलाम और परस्पर इनके मध्य की दूरी, और ये दूरी कितनी है आपके पास, 15 सेंटीमीटर ये दूरी आपके पास दी हुई है। ठीक है, अब बोला है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। अनंत पर विद्युत विभव का मान शून्य मान लीजिए। अब ऐसा है तो देखो, इसके दो केस होंगे, दो जगह इसके ऐसे बिंदु होंगे जहाँ पे विभव का मान क्या होगा, जीरो। तो जो पहला केस है वो क्या होगा, यदि बिंदु पी दोनों आवेशों के मध्य स्थित हो। तो अभी हमने मान लिया कि Q1 और Q2 दो आवेश है, उनके मध्य ये बिंदु P यहाँ पे स्थित है, और ये जो बिंदु P है यहाँ पे प्रश्न अनुसार कुल विभव कितना आएगा, जीरो। ये कुल विभव कितना आता है, जीरो आता है। Q1 आवेश से इस P बिंदु की दूरी कितनी मान ली, x। तो बताओ Q2 आवेश से कितना होगा, भाई कुल कितनी है, 15। 15 में से x घटा दूंगा तो Q2 से P की दूरी आ जाएगी, अर्थात 15 − x। ठीक है, अब ये बताइए ये जो बिंदु P है, इस P पे कुल कितने विभव होंगे। तो हम क्या पूछेंगे अपने आप से कि इस P के आसपास कुल कितने आवेश हैं। सर दो, एक तो Q1 और एक कौन है, Q2। तो उसके कारण यहाँ विभव भी कितने होंगे, दो। Q1 के कारण विभव होगा V1, और Q2 के कारण विभव कितना होगा, V2। और चूंकि विभव सदिश राशि है तो जोड़ देंगे तो बिंदु P का कुल विभव प्राप्त हो जाएगा। आपने अब तक एक ही सूत्र पढ़ा है कि यदि बिंदुवत आवेश Q हो और R दूरी पर बिंदु P दिया है तो इस P के ऊपर विभव का मान कितना होता है, K Q/R। ठीक है, अब हमने बोला बिंदु P पर कुल विभव, तो बिंदु P का कुल विभव कितना होगा, V, और वो होगा V1 + V2। V1 का मतलब कितना होगा, K Q1/R1। V2 का मतलब कितना होगा, K Q2/R2। अब प्रश्नानुसार प्रश्न ही तो कह रहा है कि इस बिंदु P का विभव कितना होना चाहिए, जीरो। ये देखो कि किस बिंदु पर विभव कितना हो, शून्य। तो हम मान लेते हैं कि P का जो कुल विभव जीरो है, अर्थात इस V का मान कितना बोल रहा है प्रश्न, जीरो। के Q1 का मान कितना है आपके पास, 3 × 10⁻⁶, 3 × 10⁻⁶ / R1। R1 का मतलब है Q1 से P तक की दूरी है, तो वो दूरी कितनी है, x। फिर प्लस के Q2 का मान कितना है, −2 × 10⁻⁶, −2 × 10⁻⁶ बट्टा R2। R2 का मतलब है Q2 से लेकर P तक दूरी कितनी है, 15 − x, 15 − x। ध्यान दे, ये जो संख्या है ये माइनस है, बराबर होते जाएगी प्लस हो जाएगी। तो K × 2 × 10⁻⁶ / 15 − x बराबर K × 3 × 10⁻⁶ / क्या लिखा जाएगा, जो चीज़ कॉमन है वो काट सकते हैं, K × 10⁻⁶, K × 10⁻⁶ कट गया, क्या बचा, 2 / 15 − x बराबर 3/x। वर्ज गुना कर लो, 2 को x से गुना किया 2x, 15 × 3 = 45 −3x। −3x को बराबर उधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x + 3x बराबर 45, अर्थात 5x = 45, 5 × 5, 5 × 45, तो x बराबर कितना आया, 9 सेंटीमीटर। तो जो प्रथम आंसर होगा वो क्या होगा, धनावेश से कितना, 9 सेंटीमीटर दूरी पर। अब इसका एक केस और बनता है, केस नंबर 2। यदि बिंदु P
बिंदु P दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर स्थित हो। अर्थात अभी जो बिंदु P हमने लिया था वो दोनों आवेशों के मध्य कहीं था, इस बार बिंदु P इनके बाहर होगा। तो प्रथम आवेश Q1 जिसका मान है 3×10⁻¹ कूलाम, ये प्रथम आवेश हो गया। द्वितीय आवेश कौन है? Q2 जिसका मान है −2×10⁻¹ कूलाम। इनके मध्य की दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। हमने क्या किया, इसका जो Q1 आवेश है, इस Q1 आवेश से x दूरी पे इनके बाहर की ओर इसी लाइन पे बिंदु क्या मान लिया? P। और कह रहे हैं कि इस P का कुल विभव कितना है? 0। मतलब यहाँ पे विभव कितना आएगा? 0। अब बताइए यदि ये P बिंदु Q1 से x दूरी पर है तो Q2 आवेश से कितनी दूरी पे होगा? इस x में से 15 घटा दो तो ये दूरी बच जाएगी, अर्थात x-15 ये दूरी है Q2 से। अब फिर से वही क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि P के आसपास कुल कितने आवेश हैं? P के आसपास दो आवेश हैं, एक तो है Q1, दूसरा कौन है? Q2। इसलिए Q1 के कारण विभव होगा V1 और Q2 के कारण विभव कितना होगा? V2। और विभव कैसी राशि है? फिर से सदिश, सॉरी अदिश राशि है विभव, इसलिए हम गणितीय रूप से इसको जोड़ सकते हैं। तो बिंदु P का कुल विभव कितना होगा? V। V बराबर क्या होगा? V1+V2 आपके पास है। V बराबर V1 का मान होगा K Q1/R1, V2 का मान कितना होगा? K Q2/R2। प्रश्न अनुसार भाई प्रश्न ही तो चाहता है कि बिंदु P का विभव कितना हो? 0। अर्थात V का मान कितना रखना है? 0। रख दो V का मान 0। K Q1 का मतलब 3×10⁻¹, 3×10⁻¹ बट्टा R1। R1 का मतलब है Q1 से लेकर P तक की दूरी कितनी है? प्लस K Q2। Q2 का मान कितना है? −2×10⁻¹ बट्टा कितना? R2। R2 का मतलब क्या है कि Q2 से लेकर P तक की दूरी कितनी दे रखी है? x-15। x-15। अब ये राशि माइनस में है, बराबर की जाएगी तो क्या हो जाएगी? प्लस। K×2×10⁻¹ बट्टा x-15 बराबर K×3×10⁻¹ बट्टे में क्या? जो कॉमन है वो कट जाएगा, K×10⁻¹ कट जाएंगे, बट्टे में क्या बचेगा? 2×x-15 बराबर 3/x। वर्ज गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 2x बराबर कितना हो जाएगा? 3x-15 = 45। ऐसा करो -45 को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा? 3x-2x, 3x में से 2x दिया तो कितना बचा? x, x बराबर कितना? 45 सेंटीमीटर। अर्थात इस बार वो दूरी कितनी होगी? 45 सेंटीमीटर होगी। थैंक यू।